एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं आइटम वाइज बिल के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर का आइटम वाइज बिल कैसे बनाते हैं, ये जनरली हर जगह स्टैंडर्ड पे है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट हो। किसी भी टाइप का काम करते हो तो आपको आइटम वाइज बिल बनाना पड़ता ही है अपने सब कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को हम बात करते हैं। क्या क्या जरूरत पड़ता है पहले बात कर लेते हैं, कौन कौन से बिल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम बिल बनाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल बिल। यदि कोई भी बिल पहला और आखिरी बिल है, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिल नहीं बनेगा, उस टाइप के बिल को हम बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल बिल। जनरली ये उस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग आपको करवाना है और तो पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद स्लैब एक बार हो चुका है, ऊपर आए कॉन्ट्रैक्टर ने वाटर प्रूफिंग कर दिया, एक ही बार में उसका पहला और फाइनल बिल खत्म हो गया। यदि कोई रीवायरिंग करने आया, कहीं आपने फेलियर कर दिया है रेनफोर्समेंट पे और उसको चार तो होल करवाने के लिए आपने बुलाया है, तो पहला ही और फाइनल पे वो खत्म हो गया। मतलब पहला ही बिल फाइनल बिल होगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एंड फाइनल बिल। आगे बात करते हैं रनिंग अकाउंट बिल। पहला और फाइनल बिल का मतलब छोटा काम था, रनिंग अकाउंट बिल का मतलब लंबा काम है कि एक बिल से काम नहीं होने वाला, भैया बहुत सारे बिल बनाने पड़ेंगे, बहुत लंबे समय तक काम करेगा, तो दैट इज रनिंग अकाउंट बिल। अब इसी रनिंग अकाउंट बिल का ही पार्ट है आइटम वाइज बिल, मतलब हम इसी आइटम वाइज बिल से फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल बिल और रनिंग अकाउंट बिल बनाना सीखेंगे। एंड द फोर्थ वन इज लम सम कॉन्ट्रैक्ट बिल, जिसको हम बात करते हैं स्लैब रेट बिल। स्लैब रेट बिल के लिए जो आइटम वाइज बिल है वो हर एक काम को करने के लिए अलग कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। जैसे कि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक्सकवेशन, कॉन्क्रीटिंग, शटरिंग, स्टील और ब्रिकवर्क, प्लास्टर, पेंटिंग, ये सारे काम को करने के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हमको आइटम वाइज बिल की जरूरत पड़ेगी। और यदि पूरे काम को करने के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्टर है तो हम उसको स्लैब रेट बिल कहते हैं, लमसम बिल का नाम है स्लैब रेट बिल, जो कि इसी कोर्स के अलग सेक्शन में आप पढ़ोगे। एंड द लास्ट वन इज हैंड रिसिप्ट बिल। हैंड रिसिप्ट बिल में आपको, आप बचपन से वाकिफ है, जब आप किराने की दुकान पर जाते हैं, आपने कुछ सामान खरीदा, उसे बोला भैया एक बिल दे दो, तो लिख के दे देता है कि आपने क्या क्या खरीदा है, दैट इज हैंड रिसिप्ट बिल। ये हमारे साइट पे किस तरीके से यूज होता है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो छोटा सा अमाउंट है, मतलब उसको हम बिल प्रोसेस में ना लगाएं कि हमने आज बिल बनाया, आज भेजे तो चार दिन बाद वो पेमेंट होगा उसके अकाउंट पे, उस प्रोसेस में उसे नहीं रखना है। जैसा कि आपने कारपेंटर को बुलाया और कारपेंटर को बोला चार दरवाजे फिट करने हैं, उसने एक दिन में चारों दरवाजे फिट कर दिए, अब ये थोड़ी हम उसका वेट करेंगे कि आज बिल बनाएंगे, कंपनी भेजेंगे, कंपनी से पेमेंट आएगा तब तक मिलेगा। अब उसका 400-500 रुपए का काम है तो उसका एक हैंड रिसिप्ट में बिल बना देते हैं, इंप्रेस्ड अमाउंट जो हमारे अकाउंटेंट के पास होता है, हम उस हैंड रिसिप्ट बिल को सबमिट करते हैं, इंप्रेस्ड अमाउंट से पैसा उस कॉन्ट्रैक्टर को पहुंचा देते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड रिसिप्ट बिल। तो ये जो हमारा मेन टारगेट है आज का, वो है आइटम वाइज बिल। अब आइटम वाइज बिल को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है आइटम वाइज बिल को बनाने के लिए, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब या तो इसका फर्म हो या फिर जिस नाम से उसका पैन कार्ड हो, क्योंकि आप पेमेंट करोगे टीडीएस काटोगे तो उस पैन कार्ड जिस नाम से, उस नाम से हम बिल बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ वर्क, वो कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन सा काम कर रहा है, एक्सकवेशन, फिलिंग, पीसीसी, कॉन्क्रीट, स्टील, शटरिंग, ब्रिक वर्क एक्सेट्रा, कुछ भी काम, चाहे वो फॉल सीलिंग हो जाए, चाहे प्लंबिंग हो जाए, चाहे रोड वर्क का काम कर रहा है, नाली काम कर रहा है, किसी भी काम को कर रहा है, तो हमारा स्कोप ऑफ वर्क हमको मालूम होना चाहिए। उसके आगे लेके चलता हूं मैं आपको, उसके बाद हमको जो काम वो कर रहा है उसका हमारे पास रेट अप्रूव्ड होना चाहिए हमारे कंपनी से, जिस भी जो भी काम करवा रहे होगा उसका रेट फाइनली अप्रूव्ड होना चाहिए, एक्सकवेशन, फिलिंग, पीसीसी, कॉन्क्रीट, स्टील, शटरिंग, ब्रिक वर्क एक्सेट्रा, सारे रेट, रेट पर यूनिट, मोड ऑफ मेजरमेंट मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहां पे देखो एक्सकवेशन में लिखा हुआ है 180 रुपए पर क्यूबिक मीटर, इट इज लमसम रेट, एरिया वाइज हर जगह का रेट अलग होता है, तो जिस एरिया में आप हैं, जिस एरिया में आप काम करवा रहे हैं उस एरिया का आप रेट लीजिएगा। मैं एग्जांपल के रूप में छत्तीसगढ़ भिलाई का रेट मैं आपको दे रहा हूं, एक्सकवेशन का दिया हुआ है 180 रुपए पर क्यूबिक मीटर, तो मुझे यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि मेरे को एक्सकवेशन का मेजरमेंट क्या करना है, क्यूबिक मीटर, लेंथ, वेट, हाइट, मतलब मेरे को गड्ढे की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई मेजरमेंट करनी है, तो वहां से मेरा पेमेंट हो जाएगा। फिलिंग में भी बात करें तो फिलिंग में भी क्यूबिक मीटर है, पीसीसी भी बात करें तो ये भी क्यूबिक मीटर है, कॉन्क्रीट भी क्यूबिक मीटर है, स्टील बात कर रहा है केजी में, तो स्टील कैसे निकालना है हमको, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है, उसका रनिंग मीटर भी निकालेंगे, फिर उसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट निकल जाएगा। शटरिंग निकाल रहा है स्क्वायर मीटर पे, देखो जो यूनिट है मोड ऑफ मेजरमेंट यहीं से डिसाइड होता है कि आपको मेजरमेंट क्या करना है। शटरिंग निकालना है तो आपको एरिया, लेंथ और विड्थ से मतलब है बस, जहां जहां पे शटरिंग लगा होगा। ब्रिकवर्क में अगेन क्यूबिक मीटर ले रहा है, और कोई भी यूनिट, चाहे आप ड्रेन लाइन बना रहे हो, आपने नाली देखा है बनते हुए, जैसे कंक्रीट की नाली की बात करते हैं, तो कंक्रीट की नाली पे नीचे पहले तो एक्सकवेशन करेंगे, फिर पीसीसी करते हैं, फिर उसमें रेनफोर्समेंट लगाते हैं, फिर शटरिंग लगाते हैं, फिर कंक्रीट डालते हैं, तो ये पांच स्टेप में काम होता है। लेकिन कुछ जगहों पे नाली रनिंग मीटर में होता है,
कि आपको कोई मेजरमेंट नहीं करना है, कितना मीटर नाली किया है उस मेजरमेंट में आपको काम करना है। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे लिखा है ₹1,000 पर रनिंग मीटर, तो उसमें कॉन्क्रीट स्टील शटरिंग और एक्सकवेशन का मेजरमेंट नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कितना मीटर उसने नाली बनाया है। तो एक मीटर का नाली बनाया है तो ₹1,000 दे देंगे, 10 मीटर नाली बनाया है तो 1000 पर मीटर है तो 10 मीटर मल्टीप्लाई बाई ₹1,000। तो इतना आसान है ये आइटम वाइज बिल बनाना। चलिए बात करते हैं इसके आगे किस किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। इंजीनियर जाना नहीं कहीं, आपको पूरा वीडियो देखना है और इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पूरे कोर्स को सीख सकते हो। बिलिंग का एक छोटा पार्ट है, बिलिंग के 4 चैप्टर में से पूरा आइटम वाइज बिलिंग फॉर गवर्नमेंट टेंडर सीपीडब्ल्यूडी के नाम के साथ आईएस कोड 1200 के पूरे मोड ऑफ मेजरमेंट के साथ रिकॉन्सिलेशन प्राइस एस्केलेशन पूरा डिटेल पे एस्टिमेशन बार बेंडिंग शेड्यूल क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस ऑटोकैड रैबिट ईटैप एमएसपी कंप्लीट डिटेल में ये सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा आपको एक ही कोर्स में जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। और गुरुजी का खजाना में एक और चीज ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, जिसके जो यदि आपको पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है 9111001234 में कॉल कीजिए और आप लोगों के लिए हमारी पूरी काउंसलिंग टीम वेट कर रही है आपके फोन के लिए। चलते हैं फिर से वीडियो पे। इससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए आपके साइट पे जो बिलिंग साइकिल है, मतलब कि आपका काम 7 दिनों पे हो रहा है, 10 दिनों पे हो रहा है, 15 दिनों पे हो रहा है, 30 दिनों पे हो रहा है, मतलब हमको बिलिंग साइकिल क्या है आपके साइट पे। बहुत सारे जगह सैटरडे टू सैटरडे पेमेंट करते हैं, कुछ जगहों पे 15 डेज में पेमेंट करते हैं, कुछ जगहों पे 10 डेज में भी पेमेंट करते हैं, कुछ जगहों पे 30 डेज में मंथ वाइज पेमेंट होता है, हर सप्ताह उनको खर्ची दिया जाता है। खर्ची मतलब समझ लो पॉकेट मनी, एक लेबर 7 दिन काम किया तो उसको हिसाब नहीं हुआ, उसको पर हेड ₹500 की डेली वेजेस में तेरा काम हो जाएगा, जो भी तेरे खाना पीना है वो काम कर ले, मंथ के एंड में हम बिल बना देंगे। तो इस टाइप का भी काम होता है। तो आपका बिलिंग साइकिल कितने पीरियड का है, 7 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, 30 दिन का है, तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस ध्यान रखने से आपको जो काम आने वाला है वो है टाइमली प्रिपेयर बिल विदाउट एनी डिले। ये ध्यान में रहेगा तो आप अपना बिल समय से पहले बना लोगे ताकि कोई भी देरी ना हो। क्यों जरूरत है ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। प्रोसेसिंग बिल अंटिल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, प्रोसेसिंग बिल अंटिल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, आपको तब तक उसको मॉनिटर करते रहना है उस बिल के प्रोसेसिंग को जब तक उस कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट ना हुआ हो। ये इस तरीके से कि आपने बिल बनाया, आपने कंपनी को मैं भेज दिया, कंपनी में भेजने के बाद वहां अटक गया, वहां होल्ड हो गया, तो आपके कॉन्ट्रैक्टर को तो पेमेंट हुआ नहीं, जिसके कारण क्या होगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट आपके जो लेबर है वो आपकी बात नहीं मानेंगे। हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को भी बोले यार यहां मत आना, आपका लेबर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। इसलिए अंटिल पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इट विल इंक्रीज द लेबर स्ट्रेंथ, ये आपकी लेबर स्ट्रेंथ बढ़ा देगी। यदि आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को टाइमली पेमेंट कराया तो आपके साइट का लेबर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी वो अपने गांव में बात करेगा अपने दोस्तों से कि यहां पेमेंट एकदम टाइम टू टाइम होता है तो उसके सारे दोस्त भी आपके साइट में काम करने में इच्छुक होंगे। एंड द सेकंड वन इज इट विल ऑलवेज मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइमली। मैंने बिलिंग इंजीनियर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इस टॉपिक को कवर किया था कि यदि आपका पेमेंट टाइम टू टाइम होता है तो आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा, समय से पहले या समय पे खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है अपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर का। एंड द थर्ड वन इज इट विल मेक यू मोर रिस्पांसिबल टुवर्ड कंपनी प्रॉफिट, कि आप यदि अपना काम समय पे करेंगे, कंपनी को फोर्स करेंगे पेमेंट करने का, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी और स्मूथली खत्म हो जाएगा, जो कि आप एक अल्टीमेट कंपनी प्रॉफिट पे मैटर करता है, और समय रहते आपको अप्रेजल भी मिलेगा आपकी कंपनी से। ये एक प्रोसेस है पूरा का पूरा कंपनी का। यदि आपने यदि आप एज अ बिलिंग इंजीनियर रिस्पांसिबिलिटी रख सकते हो तो आपके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिलाना ये आपकी जवाबदारी है। अब बात करते हैं कि बिल बनाया किस तरीके से जाए, हाउ टू प्रिपेयर आइटम वाइज बिल। बिल बनाने के लिए सबसे पहला आपको चाहिए मेजरमेंट शीट, जिस मेजरमेंट शीट पे आप उस कॉन्ट्रैक्टर का मेजर लेंगे साइट जाके। तो इस मेजरमेंट शीट होता कैसे, मैंने आपके लिए एक मेजरमेंट शीट बनाया है यहाँ पे। एक मैंने एक फॉर्मेट दिया है आपको कि ऊपर आप कंपनी का नाम लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो कॉन्ट्रैक्टर का नाम, वर्किंग साइट, इंजीनियर नेम, कौन सा इंजीनियर इसको बना रहा है, फिर यहाँ पे बिलिंग नंबर और बिल डेट, कौन सा बिल नंबर है, कौन सा बिल डेट पे बना रहे हैं। और ये आपका एक मेजरमेंट शीट है जिसमें से सीरियल नंबर, कौन कौन सा काम वो कर रहा है, कितने नंबर्स में वो काम कर रहा है, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल और रिमार्क, इसको मैं भरना सिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है। और आपको सेकंड जरूरत पड़ेगा, दैट इज मेजरमेंट शीट। लेकिन मेजरमेंट शीट तो बिल होता नहीं, मेजरमेंट शीट तो ये बताता है कि कितना काम किया है। तो सेकंड हमको चाहिए बिल एब्स्ट्रैक्ट। होता क्या है बिल एब्स्ट्रैक्ट मैं आपको बताता हूं। बिल एब्स्ट्रैक्ट में हम बात करेंगे कि उसने कितना काम
किया है और रेट से मल्टीप्लाई करके हम फाइनल अमाउंट निकालेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो दिख रहा है, फर्स्ट है सीरियल नंबर, सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन सा काम वो कर रहा है। अब इसमें हम मेजरमेंट नहीं लिखते, हम इसका आउटकम लिखते हैं। मतलब कि जो आपका ये मेजरमेंट शीट था, मेजरमेंट शीट में क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट टोटल। तो फुटिंग जैसे मान लेते हैं एक्सकवेशन की बात करते हैं, तो एक्सकवेशन सीरियल नंबर फर्स्ट, यहां बात कर रहे हैं हम फुटिंग एक्सकवेशन, यहां हम दे रहे हैं पांच नंबर, F1 पांच, F2 चार, F3 छह, मैं एक लमसम नंबर लिख रहा हूं और यहां पे लेंथ लिख दे रहा हूं 1 मीटर बाय 1 मीटर, एक मैं एग्जांपल के रूप में। तो यहां पे कितना हो गया 5 m³, ये हो गया 4 m³ और ये हो गया 6 m³, तो टोटल आ गया 6 × 5 = 10 × 5 = 15 m³ का आपका टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी आ गया। अब जब हमको पता चल गया कि मेरा एक्सकवेशन कितना हुआ है 15 m³, तो मैं मेजरमेंट शीट पे जो टोटल आउटकम आया था उसको हम अब एंट्री करेंगे हमारे बिल एब्स्ट्रैक्ट में। मतलब कि हेलो इंजीनियर्स, आपने वीडियो देखा, वीडियो में हमने बताया है कि आप किस तरीके से आइटम वाइज बिलिंग का डिजाइन कर सकते हैं तीन फॉर्मेट के साथ। आप कोर्स में जाएंगे तो आपको तीनों फॉर्मेट अलग से मिलेंगे, तीनों फॉर्मेट को किस तरीके से एक्सेल में बनाया जाता है वो दिया जाएगा, किस तरीके से बिलिंग इनपुट होता है वो दिया जाएगा, ड्रॉइंग के साथ आपको केस स्टडी करवाया जाएगा, हर टाइप का सॉल्यूशन आपको आपके कोर्स में मिलेगा। इट इज अगेन प्रमोशनल वीडियो, यहां से आपको हम बता रहे हैं कि आप कोर्स में क्या क्या चीज सीख सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो की और फाइनल करते हैं, और वीडियो के बाद मिलते हैं हमारे कोर्स में। आइए, हम वेट कर रहे हैं आपका हमारे कोर्स में। गुरुजी का कोड यूज करना है आपको, JURUJI। थैंक यू सो मच, और उसी दोस्तों सिजुन के साथ अगली बार हर वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहां पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर फर्स्ट एक्सकवेशन, यूनिट क्यूबिक मीटर में हम निकाल रहे हैं तो क्यूबिक मीटर, रेट जो आपका कॉन्ट्रैक्टर का रेट था, हमारा रेट था ₹180, और अप टू प्रीवियस बिल क्वांटिटी, जैसा कि आपने DPR में आपने सीखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहां पे फिर से बताता हूं कि प्रीवियस क्वांटिटी का मतलब जो पहले कुछ किया हो। लेकिन हमारा बिल नंबर एक है, इसको मैं दे देता हूं बिल नंबर एक, तो प्रीवियस क्वांटिटी तो जीरो होगा, प्रेजेंट क्वांटिटी कितना हो गया 15 क्यूबिक मीटर। ये आपका आया कहां से, मेजरमेंट शीट से, जो आपने यहां पे मेजरमेंट शीट पे निकाले थे उसी को मैं यहां पे बिल एब्स्ट्रैक्ट में लिख दे रहा हूं, और यहां पे टोटल हो जाएगा। ये क्या है, टोटल क्वांटिटी अप टू बिल डेट तक कितनी क्वांटिटी हो गई, तो टोटल क्वांटिटी है 15। बिल टोटल क्वांटिटी मतलब प्रीवियस प्लस प्रेजेंट, उसके बाद यहां बोल रहा है अप टू बिल अमाउंट, आज तक कितने रुपए का बिल हुआ है। तो ये देखो यहां पे मैंने ऊपर फॉर्मूला भी दिया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो मोर के अटैचमेंट सेक्शन पे जाके। तो 15 × 180, तो अमाउंट हुआ ₹2700। कैसे आया 15 × 180, तो ₹2700 का उसने एक्सकवेशन किया। यहां बात कर रहा है प्रीवियस बिल अमाउंट तो कुछ है ही नहीं भैया, जीरो है क्योंकि पहले ही बिल है। तो प्रेजेंट बिल अमाउंट कितना हो गया, टोटल माइनस प्रीवियस, दैट इज इक्वल टू अगेन ₹2700। ये एक हम डेटा भरेंगे, कैसे भरेंगे हम उसमें डिटेल में बात करेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि बार फिर से रिवीजन हो जाए और अच्छे से डिटेल में हम अपने जब बिल बनाएंगे तो बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, ये तो बात हुआ बिल बनाने का ₹2700, उसको अमाउंट में हम यहां टोटल का ला के लिख देंगे ₹2700, लेकिन वो भी बिल नहीं हुआ, इट इज ओनली एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारे चेक करने के लिए जो अकाउंटेंट के पास जाएगा, दैट इज बिल फॉर्म, दैट इज अगेन बिल फॉर्म। थर्ड स्टेप, बिल फॉर्म पे हम बात करेंगे कि कितना परसेंट उसका टोटल बिल कितना है, प्रेजेंट बिल कितना है, फिर उसका TDS कितना काट रहे हैं, फिर उसका SD और PG, सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी। ये आपको यदि आपने टेंडरिंग पार्ट रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, अदरवाइज मैं इसको समझाता हूँ। SD मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रेक्टर को आपने बुलाया है वो भाग ना जाए पहला ही काम करके, मतलब कि ऊपर की मलाई खाया और छोटे छोटे काम को किए बिना भाग गया, इसलिए हम उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं कि ताकि भाग ना सके वो, कि आपने बड़ा सा रूम दे दिया उसको पूरा का पूरा ब्रिकवर्क करने के लिए, उसने पूरा बड़े से रूम में ब्रिकवर्क कर दिया और छोटे छोटा जहां पे विंडोज का ब्रिकवर्क था वो छोड़ के भाग गया, क्योंकि छोटा वर्क है ज्यादा मेहनत लगेगा, तो इसलिए SD हम रोक के रखते हैं ताकि भागे ना वो, भागेगा तो उसका पैसा तुम्हारे पास होल्ड है ही, हम दूसरे से काम करवा लेंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट वन PG, दैट इज परफॉर्मेंस गारंटी, कि जो काम करने के लिए आपने उसे दिया है, जैसे कि आपने उसे ब्रिकवर्क करने दिया है और ब्रिकवर्क आगे चल के क्रैच डेवलप होता है या उसमें हनीकुम ज्यादा है तो सीपेज हो रहा है, तो ये हम उसके परफॉर्मेंस गारंटी से डिडक्ट करेंगे। परफॉर्मेंस गारंटी से क्यों,
डिडक्ट करते हैं, क्योंकि आप जो उसको पेमेंट कर रहे हो वो पूरा एक्चुअल अच्छा काम करने के लिए कर रहे हो, और यदि उसने अच्छा काम नहीं किया है तो पेनल्टी ठोकेंगे। इसलिए हम कम से कम 5% उसका पीजी रोकते हैं। तो एसडी और पीजी मिला के टोटल 10% हम होल्ड कर रहे हैं ओवरऑल बिल अमाउंट का। ये एक्चुअली 10% हर साइट पे वेरी करता है, आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये परसेंटेज डिसाइड होता है। कुछ जगह पे 3% होल्ड करते हैं, कुछ जगह पे तो 10-10% एसडी होल्ड करते हैं, प्लस 5% पीजीए लगते हैं, तो 15% हो गया। तो इट्स डिपेंड ऑन क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। सेम उसी तरीके से ये नेक्स्ट ये पार्ट है, देखो मैंने कलर्स अलग अलग रखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो ये पार्ट है ये प्रीवियस बिल के लिए है। क्या प्रीवियस बिल में कुछ आपका डेटा है? अभी तो फर्स्ट बिल है तो जीरो रहेगा। और जो ये सेक्शन है ये आपका प्रेजेंट बिल के लिए है कि आप प्रेजेंट बिल में क्या सिचुएशन है। तो जो बिल एब्स्ट्रैक्ट में काम हुआ था उस अमाउंट को हम यहां ले आएंगे तो हमारा बिल बन जाएगा। एंड द लास्ट में है पूरे साइंस लोगों के कि अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय एचओ हेड ऑफिस अकाउंट डिपार्टमेंट, बिल एंड चेक अप्रूव्ड बाय एचओ हेड ऑफिस इंजीनियर, अप्रूव्ड बाय साइट इंचार्ज, अप्रूव्ड बाय साइट अकाउंटेंट, अप्रूव्ड बाय स्टोर इंचार्ज, बिल प्रिपेयर्ड बाय बिलिंग इंजीनियर, बिल एक्सेप्टेड एंड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्टर विथ नेम। मतलब कि ये सब का साइन चाहिए कंटिन्यूसली। आपने बिल बनाया तो बिल बनाने के बाद सबसे पहला साइन चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का कि उसे ये बिल एक्सेप्ट है। दूसरा बिल चाहिए बिलिंग इंजीनियर का जिससे ये बिल बनाया है। तीसरा चाहिए स्टोर इंचार्ज का। स्टोर इंचार्ज का साइन हम बिल में इसलिए लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का डेबिट नोट होगा, यदि वो ऑफिस से स्टोर से कुछ मटेरियल इशू करवाया हुआ हो या फिर कुछ पेनल्टी नोट हो तो डेबिट हुआ है कि नहीं, इसलिए स्टोर इंचार्ज का साइन। उसके बाद साइट अकाउंटेंट कुछ एडवांस तो नहीं है, कुछ कैश में तो नहीं लिया है वो साइट अकाउंटेंट से। फिर साइट इंचार्ज अप्रूवल देता है कि हाँ इसका काम हो गया, मैंने चेक कर लिया, क्वालिटी वालिटी ऑल ओके है। फिर जाता है वो बिल उठ के जाता है हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस में सबसे पहले चेक करता है वहां का इंजीनियर, जो हेड ऑफिस का इंजीनियर होता है, कि जो बिल आया है ये वो सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पिछले बार इसके पास 100 लेबर थे तो 4 लाख का बिल बना था, इस बार 100 लेबर है तो 5 लाख का बिल बन गया, 7 लाख का बिल बन गया। तो एक जनरली वो मोटा मोटा हिसाब किताब चेक करता है लेबर स्ट्रेंथ से और बिल से, या फिर कुछ जगह पे मेजरमेंट भी पूरे चेक होते हैं। तो जैसा जैसा लोगों का साइट कंडीशन होता है, तो लेकिन ये जरूरी होता है कि जो चेक करता है हेड ऑफिस से इंजीनियर। फिर है वेरीफाइड बाई हेड ऑफिस अकाउंटेंट, जो हेड अकाउंटेंट है हेड ऑफिस का, वो वेरीफाई करेगा कि जो यहाँ पे पेमेंट्स डले हुए हैं, जो पेमेंट करने का अमाउंट आया है वो उसको देना भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पहले सिर्फ एडवांस पेमेंट देके चल रहे हैं, रिकवरी लेना है, तो इसको अकाउंटेंट अप्रूवल देता है। एंड द लास्ट में मैनेजमेंट अप्रूवल देता है कि इस पार्टी को अभी पेमेंट करना है कि नहीं। ये सबका साइन वेरी वेरी नेसेसरी। आपके यदि फाइल पे नहीं है तो आप ये सारे साइन को अटैच कर दो। जो मैंने फॉर्मेट बताया तीनों, तो ये तीनों फॉर्मेट मेजरमेंट शीट, बिल एब्स्ट्रैक्ट और बिल फॉर्म, ये तीनों एक स्टैंडर्ड पैटर्न मैंने बताया है। लेकिन जरूरी नहीं कि यही पैटर्न आपके साइट पे होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट को अपने साइट पे अपने बिलिंग परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूट करना है। थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, फॉर्मेट आगे पीछे होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लोगों के फॉर्मेट बनाने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इज द सेम। इस वीडियो पे हमने बात किया कि क्या होता है आइटम वाइज बिल और उसको कैसे तीन फॉर्मेट में डिजाइन करेंगे, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें बात करते हैं केस स्टडी का। हम 4 केस स्टडी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के बाद आपके पास एक्सेल शीट है, डाउनलोड कर लीजिए और सेम एक्सेल शीट बनाने की ट्राई कीजिए। मैं आपको एक्सेल शीट के बाद उसमें कैसे फॉर्मूला लगाते हैं ये बनाना सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। मिलते हैं अगले वीडियो में उसी दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।